18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। मंगलवार को दोपहर न्यू दक्षिणी बाईपास रोड पर भीषण हादसा हो गया। किसी अज्ञात वाहन ने बाइक सवार व्यक्ति को रौंद दिया। दरअसल रायबा निवासी साहब सिंह पुत्र प्रभु सिंह सिंगेचा गांव किसी काम से गया था, तभी वापस आते समय न्यू दक्षिणी बाईपास महुअर पर यह हादसा हो गया। परिजनों को जब यह सूचना प्राप्त हुई तो कोहराम मच गया। वहीं परिजनों ने बताया कि रास्ते से गुजर रहे रायगीरों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हादसे होने से प्लेटिना सवार साहब सिंह को तत्काल आगरा एसएन में रेफर करा दिया है, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। आपको बता दें, 50 वर्षीय साहब सिंह के दो बेटे व दो बेटियां हैं। दो बेटियां और एक बेटे की शादी हो चुकी है। वह साहब सिंह मजदूरी करता है। क्या नाम है आपका? मेरा मुन्ना है। क्या करना हुई है जी? मतलब ऐसा हो गया, यहाँ से कुछ बढ़िया गए सवेरे, अपनी बहन जी का वापस लौट के आ रहे। कौन? साहब सिंह। कहाँ गए थे? ये सिंगेचा गए। क्यों? अपनी बहन जी के पास गए थे। तो फिर अपनी बहन जी के साथ लौट के आ रही। कहाँ पे लौटते में जो घटना भई है, टोल टैक्स से आगे कोई मगुरवाई रोड पे, कोई मतलब वहाँ पे मोड़ पे जी अपने हाथ पे आ रही का उल्टी गाड़ी काट के निकाल दी है। तो उल्टी गाड़ी पेल कर दी जी ने। मैं पुलिस को सूचना किसने दी? अब पुलिस की सूचना से पुलिस से मत बोलेगा तो पुलिस की सूचना आप यहाँ मिलेगी होगी। तो मृतक थे वो कहाँ है? मृतक थे वो कहाँ है? क्या जो मृतक है वो कहाँ है? वो तो मां ले गए पोस्टमार्टम के लिए। जो उम्र तक थे उनके कितने बच्चे हैं? दो बच्चा है, दो लड़की हैं, दो लड़का है। अच्छा, उम्र तक जो क्या करते थे? कश्मीर आकर तो घर ही रहते। कोई करवेला कैमरामैन मुश्ताक उस्मानी के साथ गफ्फार उस्मानी की रूप।